भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सूखे से निपटने के लिए यज्ञ फॉर्मूला दिया है। सूखे पर चर्चा के दौरान लोकसभा में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी सांसदों को अपने लोकसभा क्षेत्र में यज्ञ करना चाहिए, जिससे बारिश होगी और देश को सूखे से राहत मिलेगी। यज्ञ से दूर होगा देश में सूखा। बीजेपी एमपी की सांसदों से गुजारिश, यज्ञ कराओ बारिश आएगी। देश के 13 राज्य सूखे की चपेट में हैं, 300 से ज्यादा जिले सूखे से प्रभावित हैं। लाखों गांवों में करीब करीब 40 करोड़ लोग सूखे की मार झेल रहे हैं। लोग आसमान की ओर उम्मीद से टकटकी लगाए देख रहे हैं कि पानी बरसे तो कुछ राहत मिले, लेकिन बीजेपी सांसद ने सूखे से निपटने का तरीका लोकसभा में बाकी सांसदों को बताया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में सूखे पर चर्चा के दौरान भदोही से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने सूखे का यज्ञ फॉर्मूला बताया। मैं निवेदन करूंगा आप हर संसद सदस्यों से अपने क्षेत्र में यज्ञ को करिए, बारिश जरूर होगी, क्योंकि यज्ञ के धुआं से जो आसमान में जाते हैं बादल बनते हैं, वृष्टि होता है, वृष्टि से सृष्टि का संरक्षण होता है। मैं इसकी प्रमाणिकता इसलिए दे रहा हूं कि यज्ञ को होते हुए देखा हुआ और यज्ञ होने के बाद वृष्टि होते हुए भी मैंने देखा है। उसकी एक आध्यात्मिक परंपरा है, लेकिन एक वैज्ञानिक परंपरा भी है। बीजेपी सांसद ने उदाहरण देने के लिए पौराणिक कथा का जिक्र किया, राजा जनक के राजधर्म की याद दिलाई। जनक ने उस समय अपने शासन होने के नाते राजधर्म का निर्वाह किया था और आज यही 6.5 लाख तालाबों की रचना करके नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री सिर्फ राजधर्म का निर्वाह कर रहे हैं और यही देश के लिए राजधर्म है। बीजेपी सांसद ने कहा कि यज्ञ के जरिए बारिश लाने की विधा बहुत पुरानी है और इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। मैं कह सकता हूं, मुझे बहुत सारे लोग कह सकते हैं गांव वाला है, पोंगा पंथी की बात करता है, यज्ञ करने की बात करता है, हल चलाने की बात करता है। नीचे से तलहटी खोदवाने से प्राकृतिक रूप से पानी ऊपर आ जाते हैं और वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, इसकी प्रमाणिकता मैं स्वयं कराकर देखा हूं अपने क्षेत्र में। देश इस वक्त भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। देश के 13 राज्य सूखे की चपेट में है, 313 जिले सूखे से प्रभावित है, देश के 40 करोड़ लोग सूखे की जद में है। कर्नाटक में 30 में से 27 जिले, छत्तीसगढ़ में 27 में से 25 जिले, मध्य प्रदेश में 51 में से 26, महाराष्ट्र में 36 में से 21, ओडिशा में 30 में से 27, आंध्र प्रदेश में 13 में से 10, उत्तर प्रदेश में 75 में से 50, तेलंगाना में 10 में से 7, झारखंड में 24 में से 22 और राजस्थान में 33 में से 19 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं, जबकि गुजरात के 8 जिले सूखे की चपेट में हैं। उम्मीद बस इसी अनुमान पर टिकी है कि इस साल मानसून अच्छा होने की बात कही गई है। बीजेपी सांसद ने कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत महंगी पड़ेगी। वीरेंद्र सिंह ने संतुलन की याद दिलाई। शासन और समाज मिलकर ही किसी चीज के, किसी सूखा का, किसी दैवीय आपदा का सामना कर सकते हैं और समाज को इसमें जागरूक करने की जरूरत है। पहाड़ों पर पेड़ कटे हैं, तालाबों पर कब्जा हो रहा है। भौतिक विकास जब भी होगा तभी प्रकृति क्रोध करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रकृति का संरक्षण करके भौतिक विकास होना चाहिए। सूखे पर गंभीर चर्चा के दौरान अगर संसद से भी इस बड़े संकट से निकलने के उपायों के नाम पर सिर्फ यज्ञ कराने की सलाह और पौराणिक कथाएं सुनाई जाएंगी तो फिर हालात जल्द सुधरने की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।